तो अभी तक नाराज हैं आप? नहीं, नाराज नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं तुम्हें क्या होता जा रहा है। मेरी भी राय कुछ ऐसी है। हर वक्त आंटी मुझे ताना देती रहती हैं कि मैं लापरवाह हूं, जबकि मैं सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों को वक्त देती हूँ। सरमत, आप खुद सोचें, एक माँ अपने बच्चों के लिए लापरवाह कैसे हो सकती है? देखो, मैं मानता हूँ कि अम्मी तुम्हारे साथ कभी कभार बहुत ज्यादती करती है। शायद नीलम का गुस्सा उनमें से अभी कम नहीं हुआ है, लेकिन तुम खुद भी तो अपने आप को देखो, तुम्हारा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जब उम्मीद यहाँ थी तब भी मैं गलत थी, अब मैं उसे छोड़कर आ गई हूँ तब भी गलत हूँ। क्या आप भूल गए सब कुछ? आप ही के अल्फाज थे कि उम्मीद आपके लिए कोमल आप ही की निशानी है, और आप कभी अपने आप से उसे दूर नहीं करेंगे। मैं कुछ नहीं भूला हूँ मारुख, सब याद है मुझे। तो फिर आपने उसे बोर्डिंग में डालने की बात क्यों की? क्योंकि मैं अम्मी, अम्मी, मुझे आप ही से बात करनी है। बेटा कर लूँ नाना बाद में, अभी आप जाएं। सही है। नहीं नहीं, तुम जाएं, मैं आपकी अभी आप इस इंटरेक्ट में एक काम करते हैं, हम उम्मीद आप ही को वापस घर लेके आते हैं। सच बाबा? बिल्कुल सच। अब आप अपनी मामा से कह दें कि वो अपना गुस्सा जो है वो फेंक दें और पुरानी बातें भूल जाएं। हम उम्मीद को अभी वापस घर लेके आते हैं। ओके मारुख, चले चले मारुख, चले आ जाओ, लेट्स गो।